नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इसी प्रकार से साइंस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। देखिएगा, डेली सुबह 11 बजे आपकी क्लास होती है साइंस की। सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और हाँ, क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है डायनमो का आविष्कार किसने किया था। सभी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, माइकल फैराडे। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। राइट बंधु, इन्होंने दोस्तों वायुयान का आविष्कार किया था। और ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए एलिफेंट, ऑप्शन नंबर बी डॉग, ऑप्शन नंबर सी व्हेल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्हेल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, आप लोग आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। देखिए, आपके एग्जाम में साइंस के इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी प्रकार से कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है सिडेराइट ये किसका अयस्क है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयरन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, सिडेराइट ये लोहा का अयस्क है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आंसर करिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। क्वेश्चन है, बारिश की फुहार के बाद इन धनुष कहाँ दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सूर्य की विपरीत दिशा में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, बारिश की फुहार के बाद इन धनुष सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका राइट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा। दोस्तों, लिथियम इसे Li से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अब आपको बताना है इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तीन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, लिथियम का परमाणु क्रमांक तीन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर डी दिया है, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है एस्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CH3COOH। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, एस्टिक एसिड का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शन की बात करें, NaCl ये दोस्तों सोडियम क्लोराइड का रासायनिक फॉर्मूला, आप लोग याद रखिएगा। NH3 ये दोस्तों अमोनिया का रासायनिक फार्मूला है। और NaOH ये दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक फार्मूला है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए आंसर करिए। आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नेफ्रॉन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में फिर से पूछ सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है मनुष्य के चेहरे में
हड्डियाँ कितनी होती हैं? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 20। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 14। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है किस लोह अयस्क में 72% लोहा होता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सोच समझ कर आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैग्नेटाइट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, मैग्नेटाइट में 72% लोहा होता है, आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों, मैग्नेटाइट ये लोह अयस्क है, सभी लोग याद रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंड पर्सन ये किन रंगों में अंतर ज्ञात नहीं कर पाता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल और हरे में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, कलर ब्लाइंड पर्सन रेड और ग्रीन कलर में अंतर ज्ञात नहीं कर पाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी अमीटर, ऑप्शन नंबर सी वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अमीटर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए सभी लोग इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हेपेरिन नामक प्रोटीन इसका उत्पादन कहाँ पर होता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी हार्ट, ऑप्शन नंबर सी लीवर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यकृत, लीवर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन ये यकृत लीवर में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, स्मॉग किसका एक मिश्रण है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिएगा। दोस्तों, क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले, और आप लोग जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, धूम्र और कोहरे का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, स्मॉग ये धूम्र और कोहरे का मिश्रण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आर्मी जीडी की परीक्षा में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन है, क्यूप्राइट किसका अयस्क है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी गोल्ड, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तांबा कॉपर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, क्यूप्राइट ये तांबा का अयस्क है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन है, एक मात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पारा मरकरी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, पारा ये एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए मरकरी दिया है, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन ए चींटी, ऑप्शन नंबर बी केंचुआ, ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर डी तितली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केंचुआ। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, केंचुआ को
किसान का मित्र कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, द्रव की चौथी अवस्था कौन सी होती है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए सॉलिड, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड, ऑप्शन नंबर सी गैस, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लाज्मा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, द्रव की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, आप लोग इसी प्रकार से आंसर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करिएगा। क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस के जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से जलना कैसा होता है? ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए अधिक खतरनाक, ऑप्शन नंबर बी समान खतरनाक, ऑप्शन नंबर सी कम खतरनाक, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अधिक खतरनाक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस के जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से जलना अधिक खतरनाक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एनर्जी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन जड़ नहीं है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए आलू, ऑप्शन नंबर बी मूली, ऑप्शन नंबर सी गाजर, ऑप्शन नंबर डी जिमीकंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आलू। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों आलू ये एक तना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी मूली, गाजर, जिमीकंद ये सभी दोस्तों जड़ हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, केल्विन किसके मापने की इकाई है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टेम्परेचर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, तापमान मापने की इकाई केल्विन होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लैक्टोज। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम लैक्टोज है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस तर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अवतल दर्पण का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? ये भी क्वेश्चन आर्मी की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मार्कोनी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन है, माचिस की तीलियों में क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए सल्फर, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी रेड फास्फोरस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लाल फास्फोरस। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, माचिस की तीलियों में रेड फास्फोरस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और हाँ, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।